हाँ बेटा, क्या तुम एक कप चाय बनाओगी अदरक और तुलसी वाली? मुझे मालूम है बेटा, तुम्हें इस घर का गुस्सा है। बेटा ये घर तुम्हारा है, तो मेरा नहीं। मैंने तो सुना है जब तुम सब्जी में छोट लगाती हो हाथों से नहीं बल्कि दिल की हथेलियों से, जिससे ये घर खुशी से महक उठता है। बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊं, थोड़ी सी खुशी मैं भी चाहता हूँ। तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। मुझे मालूम है तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुमसे आज इतना मीठा क्यों बोल रहा हूँ। ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन बेटा जब अपनों से प्यार मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपनापन होता है। मैं इतने बरस सात समुंदर पार रहा सबसे दूर, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रही। तुम सभी लोगों की मुझे बहुत याद आती थी। बहुत बहुत दूर रहा तुमसे, लेकिन अब मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम सब लोग मुझसे नाराज हो, लेकिन ये नाराजगी मैं दूर करूँगा। गलतियाँ अपनों से होती हैं और अपनों को मनाने में मुझे कोई शर्म नहीं। मैं मनाऊंगा सबको, मैं बताऊंगा सबको कि मैं तुम्हारा चाचा था, हूं और रहूंगा। अब एक पल भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम सबके पास रहना चाहता हूँ बेटा, तुम सबके पास।